हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बीते 20 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी युवक की लाश। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लीपापोती करने का आरोप। मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के रमऊपुर बौला पुल के पास बीते 20 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग और पुलिस पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए फूलन सेना के तत्वाधान में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। में प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी मधुबन राम भवन तिवारी को देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मधुबन थाना क्षेत्र के ककराडी निवासी ब्रजदेव साहनी पुत्र परशुराम साहनी का संदिग्ध परिस्थितियों में बौला पुल के पास शव बरामद हुआ था। इसमें पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होता देख सोमवार को परिजनों का धैर्य जवाब दे गया और फूलन सेना के तत्वाधान में दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में। देखिए 19 तारीख को ताल रतोई में बिरदेव सहनी ककराडी की लाश पाई, पोस्टमार्टम हुआ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें बिसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करके लखनऊ भेज दिया गया विज्ञान प्रयोगशाला। हम लोगों ने तहरीर दिया कि यह हत्या है, हमारा मुकदमा लिखा। पुलिस का कहना है, एसपी का कहना है कि बिसरा रिपोर्ट आएगी तब तो मुकदमा लिखा जाएगा।